चलो ऊपर चलो। चलो ऊपर चलो, जल्दी भागो भागो, जल्दी भागो। भाग ऐसे आगे कर, आगे की तरफ। हाँ ऐसे कर, अरे इसको पकड़ कर ऐसे कर, सीधी कर। यहाँ पर भाई चटाई सेट कर रहे हैं, अब शाम का टाइम हो रहा है। होल्डर लगानी, अब सीधी लगा, ऐसे कर, अब कर सीधी। लो भाई फार्म फार्म अंदर रह गया, नीचे दब गया, वो आ गया बाहर। चल हट पीछे, अब सही। हाय भाई शाम का टाइम हो रहा है, देखो कैसा जबरदस्त मौसम हो रहा है। इस वक्त जो है सभी लोग जो है अपनी छतों पे आए हुए होते हैं मजे से मौसम को। ये देखो ये सबसे छोटा व्लॉगर है ये, तुम भी कुछ बोलो। गाएं ये दंजा है, दंजा इसके मुंह पर दंजा। ये देखो गाइस अभी जो है ना मतलब शाम के टाइम पे ऐसा ज़बरदस्त व्यू हो जाता है, हर कोई जो है इस वक्त जो है भाई इस व्यू का जो है ना सही से इंजॉय करता है। व्यू को भी जो है भाई अभी छत पे आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है यार, मतलब मुझे तो 6 से ज़्यादा का टाइम है शायद। क्या हाँ आप बोलो क्या है, हाँ? ये देखो ये जानबूझ के मुंह छुपा रहा है गाइस, गाइस देखो मुझे तो गाइस देखो ये मौसम अच्छा हो रहा है, बारिश हो रही थी आज तो फिर हम भी नहाएंगे, ये भी चाचू भी जाएंगे, फिर हम बारिश में मंदिर जाएंगे, मंदिर तो बोला मंदिर हो जाएगी, मंदिर तो रात लात मारेंगे हम तो, और दाइयों से भी लाइट लात मार, मुझे लात मार देगी गधे। अबे मुझे नहीं मारेगी, तुम्हें नहीं मार, तुम्हें मार देगी, मुझे नहीं मारती, मैं शरीफ हूँ, मैं शरीफ। तू शरीफ है तो अच्छा, देख सकते आज का मौसम अच्छा हो रहा है तो फिर देख सकते आज बारिश हो रही तो फिर हम नहाएंगे, फिर चाचू आप तो नहाएंगे, अल्लाह हाफिज। क्या होगी आज बारिश हो रही ना, हम नहाएंगे आज फिर बारिश होगी। हाँ हाँ यार लग तो रहा है यार, मौसम तो बारिश वाला ही हुआ है। ये देखो ज़रा चेक करो, गर्मी की वजह से हब्स की वजह से ना रात में भी मतलब थोड़ी बहुत हुई है बारिश, लेकिन बस ऐसी बराए नाम हुई है। और ये देखो कैसा ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, और सामने से जो है ना गाइस देखो बिल्कुल सामने वहाँ पर, वहाँ से साहिल समंदर भी नज़र आता है, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस ये सारा जो है ना ये समंदर है, यहाँ पर हमारे घर से तकरीबन 5-10 मिनट की दूरी पर है। बात सुनो, इधर आओ, चूचू 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 चूचू, घड़ी में चूहा, घड़ी ने एक चूहा नीचे, अम्मी ने अब्बू ने पकड़ा, इधर तो आ। फार्म तो मैंने पकड़ लिया, फार्म फार्म अम्मी ने पकाया, फार्म ने खाया, बड़ा मजा आया। आया बहुत जबरदस्त मौसम हो रहा है गाइस, इस वक्त दिल करता है कि बस छत पर जो है ना अपना बिस्तर लगाओ और बैठ जाओ बातें करने के लिए, कब नींद आ जाएगी पता भी नहीं चलेगा, ऐसा ज़बरदस्त मौसम होता है इस वक्त। ये मेरे चारों तरफ देखो आप, सभी लोग छतों पे आए हुए होते हैं। ज़हीर भाई का तो घर ही छत है, ये तो काम पे से आते हैं तो सीधा छत पे आ जाते हैं, उसके बाद छत पे ही रहते हैं सिर्फ। ये देखो गाइस हवा चेक करो, ये देखो कितनी हवा चलती है, वो देखो बिस्मा यार ये उधर चला जाएगा तो ना
ये तो भाई रहते ही यहाँ छत पे, तो खाना वाना बस खाने के लिए नीचे जाते हैं फिर वापसी ऊपर आ जाते हैं भाई। बड़ा मज़ा है यहाँ पर, यहीं पर सलमान भी सोता था भाई छत पे, उसको इतना मज़ा आता था कि वो एक दिन यहाँ पे सोया सिर्फ, उसके बाद तो वो बोलता था मुसलसल यहीं पर ही सोऊंगा मैं। क्या 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 बोल रहे हो? मेरी तरफ पढ़ो, वो देख उसको देख क्या पंगा कर रहा है ये। अरे ओए गधे क्या कर रहा है ये, क्या कर रहे हो ओ गधे? हाँ सही है उमर, सही है आप, सही है। गाइस लास्ट टाइम भी जो है ना मैंने दो व्लॉग अपलोड करे हॉक्स बे के, पार्ट वन पार्ट टू। पार्ट वन जो था वो 12 मिनट का था एडिट होने के बाद, और पार्ट टू जो है वो एडिटिंग होने के बाद भी 19 मिनट का हुआ है, मतलब इतना लंबा व्लॉग बना है वो। हमने जो शेयर वाला गेम खेला ना भाई वो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, तो वो फिर पूरा ही डालने का मुझे बोला गया था कि भाई इसमें से कट नहीं करना, क्योंकि उसमें ही मतलब सारा इन्जॉयमेंट था, हंसी मजाक था और तफरी थी, तो इस वजह से वो फिर पूरा मुझे व्लॉग जो है ना अपलोड करना पड़ा है। और आप बताना कमेंट्स करके वो दोनों व्लॉग कैसे लगे, आपको पसंद आए या नहीं। और गाइस उस दिन हम किस तरीके से पहुँचे ये हम ही जानते हैं, मतलब हाँ तो उस दिन गाइस हम लोग बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, ये हम ही जानते हैं हम कैसे पहुँचे हैं, बस ये है कि थोड़ी सी सोर्स लगाना पड़ी है। तो बहरहाल पहुँच गए और बाकी सब देखते रह गए यार, मतलब सारी गाड़ियों को उन्होंने रिटर्न करवा दिया, मगर एक वाहिद हमारी गाड़ी थी जो गई है, और इस शर्त पर उन्होंने छोड़ा था कि भाई आप लोग जो है सिर्फ हट में रहोगे अपने, पानी में नहीं उतरोगे नहाने के लिए। तो हमने सबके लिए भाई वैसे ही सख्ती रखी है, किसी को भी पानी में जाने नहीं दिया, तो इस वजह से जो है ना हमें जाने की इजाज़त मिली। फिर हमने वहाँ जाके नाश्ता करा और दोपहर का खाना खाया, बाकी नहाने का जहाँ तक सवाल है तो वो हम वहीं पर बैठे बैठे हमें पानी थे, पानी खुद आता था हमें नहलाता था और हमारे ऊपर से आता था वो पानी, मतलब इतनी हाइट पर उसकी लहर आती थी पानी की कि मैं क्या बताऊँ, आपने वीडियो में तो देखा ही होगा। मोबाइल लगाओ, हट